निमा निमा टुडे में आपका स्वागत है। आप बात करते हैं बीजेपी की। जी हां, बीजेपी में अब फिर बवाल शुरू हो गया और ये बवाल शुरू हुआ सीएम के आगमन को लेकर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भादवा माता आ रहे हैं और 10 करोड़ की लागत से बनने वाले भादवा माता कॉरिडोर को की आधारशिला रखेंगे। और इस कार्यक्रम में बड़ी खबर यह है कि भाजपा जिला अध्यक्ष का नाम निमंत्रण पत्र में नहीं है। जी हाँ, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार का नाम निमंत्रण पत्र में नहीं है, जिसको लेकर बवाल शुरू हो गया है। पवन पाटीदार के साथ हालांकि यह पहली बार नहीं हुआ है और यह लंबे समय से होता आ रहा है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार से उनकी पटरी नहीं बैठ पाती है और इसके चलते वे कहीं ना कहीं कार्यक्रमों में अवॉइड होते रहते हैं। नीमच में भी पहली बार कई बार हुआ है, क्योंकि चूंकि दोनों विधानसभा के प्रबल दावेदार हैं, दिलीप सिंह परियार का विकल्प के रूप में पवन पाटीदार उभर रहे हैं और ऐसे में इस बार उनका नाम कट गया। पिछली बार मनासा में भी कटा था, लेकिन तब कहा गया था कि सरकारी प्रोग्राम है इसलिए भाजपा जिला अध्यक्ष का नाम नहीं लिखा जा सकता है। इस बार भी वही बात आ रही है कि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने जो कार्ड छपवाए हैं भादवा माता कॉरिडोर के लिए, उसमें पवन पाटीदार का नाम नहीं है। ऐसे में राजनीति फिर शुरू हो गई है और पवन पाटीदार समर्थकों में काफी आक्रोश है, लेकिन उनका नाम क्यों काटा गया। हालांकि वे कार्यक्रम में जाएंगे और सीएम से मिलेंगे और अपनी दावेदारी भी रखेंगे, लेकिन अब देखना यह है कि बीजेपी में आखिर इस तरह का बवाल क्यों मचता है और भाजपा जिला अध्यक्षों का नाम क्यों सरकारी कार्यक्रमों में कटता है। इसके उलट अगर हम देखा जाए तो नीमच नगर पालिका क्षेत्र में अगर जरा सा कोई कार्यक्रम भी होता है, हर शिलालेख पर मंडल अध्यक्षों के नाम लिखे जाते हैं, चाहे वह योगेश जैन हो, चाहे वह मोहन डाणावत हो, चाहे वो दक्षिण मंडल हो, चाहे वो भादवा माता मंडल हो या फलाना मंडल हो, सभी दूर उनके नाम शिलालेख में रहते हैं। तो फिर जिला अध्यक्ष के साथ ऐसा भेदभाव क्यों, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल पर जवाब तो उन्हीं से लेना पड़ेगा जो इस तरह की हरकत करते हैं। देखते रहे नीमच टुडे की खास खबर।